अब सवाल ये उठता है कि अप्रेजल मेल कैसे होता है, इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है, या किस तरीके से हम डाल सकते हैं, या हम एलिजिबल है कि नहीं, वो कैसे जाना है। ये इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये टारगेट पे बेस्ड, ऑब्वियस सी बात है, टारगेट आप अच्छा करोगे तो ज़्यादा होगा, बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, वो थोड़ा सा हम समझते हैं कि देखो, हर साल जब हम काम करते हैं या फिर हर साल जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो लिविंगलीहुड का जो है स्टेटस या प्राइसिंग इंक्रीज होती जाती है। तो हर साल में कुछ ना कुछ प्राइस में, या फिर जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उनमें प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, तो सरकार के अकॉर्डिंग या कहूँ कंपनीज के अकॉर्डिंग रूल ये है कि हर साल हमें एम्प्लॉय को लेकर उतना ग्रोथ देना है, उतना इंक्रीमेंट देना चाहिए जिससे वो अपना सर्वाइवल मोड चला सके। जैसे किसी का 20,000 के लेवल का अगर वो सर्वाइवल कर रहा है, सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट ईयर अप्रेजल या इंक्रीमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जिसमें वो खर्च चला सके। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा सा रेगुलर होने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ आप लोग भी बोलते हो कि भाई रेगुलर आया करो। देखो, पता चीज़ है क्या होती है ना यार, फ्रेंकली स्पीकिंग, के पहले क्या होता था कि मैं एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे था, और वहाँ पे क्या है कि सिर्फ मेरा ही इंडिविजुअल प्रेशर मेरे ऊपर था, तो मतलब इतना कुछ खास नहीं होता था, तो चीज़ें हम डेली कर पाते थे, पहला रीज़न। अभी क्या है कि टीम अलॉट है मेरे पास में, दूसरा टारगेट भी उस अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तीसरा एक स्टार्टअप कंपनी है तो प्रेशर भी उस अकॉर्डिंग है। तो कई बार माइंड इतना उस केस में या फिर उस चीज़ में डाइवर्ट हो जाता है कि किसी और चीज़ का लिटरली ध्यान ही नहीं रहता, या फिर मतलब टाइम ही नहीं बचता उस चीज़ के लिए कि भाई मैं करूँ। यकीन मानो, मेरा बहुत मन करता है इस चीज़ के लिए कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँ, लोगों से इंटरेक्ट करूँ, ये मेरी हॉबी है, चीज़ें पसंद है, तभी मैंने स्टार्ट भी किया था इस चैनल लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये मिस कर जाता हूँ क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है, कभी कभी 9-10 बज जाते हैं। खैर, अब मैं ट्राई करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में एक्सटेंड करूँ। अब गाइस देखो, मुझे है पैसे की नीड, है ना, पैसे की नीड इन द सेंस, मैं लगभग 1 साल मुझे शायद जुलाई में हो जाएगा इस कंपनी के अंदर। तो आप भी जानते हो कि इंक्रीमेंट तो बनता है। तो अब अपडेट क्या है कि मैंने अपना जो है इंक्रीमेंट का मेल डाल दिया है, और देखते हैं क्या होता है उसमें, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें वेट करूँगा नहीं, क्योंकि यही समझो। तो यार देखो, मैं समझ रहा हूँ कि जॉब स्टेबल है, अच्छी बात है, कोई इतना प्रेशर नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे सब जान पहचान के लोग मिल गए, ये भी प्लस पॉइंट है, जो कंपनी के सीईओ हैं, ओनर हैं, उनसे भी इंटरेक्शन अच्छा, सब चीज़ ठीक है। बट अभी मैं जिस कंडीशन में हूँ, शायद अभी मैं आपको ना बता सकूँ कि मैं फाइनेंशियली बहुत क्रंच में हूँ इस टाइम पे, आपको देखने से नहीं लगता होगा, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं अंदर अंदर, और उनका सलूशन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है, पैसा ही उस चीज़ का सलूशन कर सकता है गाइस। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि अप्रेजल मेल कैसे होता है, इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है, या किस तरीके से हम डाल सकते हैं, या हम एलिजिबल है कि नहीं, वो कैसे जाना है। देखो गाइस, हर कंपनी में इंक्रीमेंट का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, और मेरे ख्याल से वो एनुअली ही होता है हर जगह, जहाँ पे जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ जितना भी मैंने काम किया है। एनुअल मतलब 1 साल के अंदर आप एक बार ही मेरे ख्याल से आप कर सकते हो चीज़ों को, जितना मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए होता क्या है, देखो गाइस, कब आप एलिजिबल हो सकते हो कि आपको लग रहा है कि हाँ यार हम एलिजिबल हैं इंक्रीमेंट के लिए या नहीं। देखिए, 1 साल में आपका इंक्रीमेंट होगा ही होगा, अगर आपने एवरेज भी अचीव किया, जैसे मान के चलो आपका 100 टारगेट है सपोज, अगर आप उसमें 75 के आसपास अगर आप कर रहे हैं अचीव, तो होना है। क्योंकि देखो, ये इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये टारगेट पे बेस्ड, ऑब्वियस सी बात है, टारगेट आप अच्छा करोगे तो ज़्यादा होगा, बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, वो थोड़ा सा हम समझते हैं कि देखो, हर साल जब हम काम करते हैं या फिर हर साल जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो लिविंगलीहुड का जो है स्टेटस या प्राइसिंग इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने पेंसिल सेल्स सुने होंगे, जो घड़ी वगैरह में डलते हैं ना, जो वॉल क्लॉक में जो डलते हैं, तो
मुझे एक टाइम याद है वो 5 रुपए का मिला करता था और कल परसों में लेके आया हूँ शायद वो 13 रुपए का आया है, तो डबल से भी ज्यादा इंक्रीमेंट आ गया। एग्जाम्पल था, मतलब इतना लंबा तो टाइम मिलेगा, तो हर साल में कुछ ना कुछ प्राइस में या फिर जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती है उनमें प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, तो सरकार के अकॉर्डिंग या कहूँ कंपनीज के अकॉर्डिंग रूल ये है कि हर साल हमें एम्प्लॉय को लेकर उतना ग्रोथ देना है, उतना इंक्रीमेंट देना चाहिए जिससे वो अपना सर्वाइवल मोड चला सके। जैसे किसी का 20,000 के लेवल का अगर वो सर्वाइवल कर रहा है सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट ईयर अप्रेजल या इंक्रीमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जिसमें वो खर्च चला सके। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है, क्यों देखो हर डिपार्टमेंट सेल्स नहीं होता भाई, देखो एचआर को टारगेट थोड़ी होता है, अब सर्विस टीम को टारगेट नहीं होता। ठीक है, आईटी को टारगेट मतलब इन द सेंस कुछ उनके टास्क होते हैं जो उनके हाथ में करने होते हैं, रेवेन्यू टारगेट नहीं होता, बट फिर भी अप्रेजल या इंक्रीमेंट उनको मिलता है क्योंकि एज पर द मतलब उन्होंने एक साल में क्या क्या काम किया, कंपनी को क्या सपोर्ट किया, कितना टाइम दिया उन्होंने, वो सब बेनिफिस होता है। तो ऑब्वियसली होता है टारगेट पे डिपेंडेंट होता है, टारगेट आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा इंक्रीमेंट आप ले सकते हो, बट इंक्रीमेंट होगा एक साल के अंदर, ये मेरे ख्याल से 95% श्योर होता है। श्योर मतलब होता ही है हर कंपनी में, कम हो ज़्यादा हो वो थोड़ा देखना पड़ता है, बट इंक्रीमेंट होता है। अब बिल्कुल ही आपका परफॉर्मेंस देखो अगर सेल्स में होगा, क्योंकि अभी मैं सेल्स की कर रहा हूँ, तो आईटी वगैरह इन सब में क्या है कि इनमें तो 100% होगा आपका इंक्रीमेंट, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, बट सेल्स में थोड़ी सी पिक्चर डिफरेंट आ जाती है। कई कंपनीज तो होती है भाई सबको इंक्रीमेंट देती है सेल्स में, कम या ज़्यादा, बट कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो कुछ लोगों को सेल्स में इनकेंट नहीं भी देती हैं, लाइक बिकॉज ऑफ लेस टारगेट अचीवमेंट। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो आपका टारगेट बिल्कुल 100 या 20-25 ही कर रहे हो या 30-40 तक ही पहुंच पा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर सोचने वाली बात है और आप भी कह नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स या फिर बात करूँ इन टर्म्स ऑफ टीम बिल्डिंग, कुछ ना कुछ आपके पास दिखाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मान के चलो मैंने टीम बिल्डिंग करी, मैंने इतने लोग लेके आया, मैंने इसको ट्रेन किया, मैंने यहाँ तक पहुँचाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरी टीम बिल्ड करी, 4 लोग को लेकर ट्रेनिंग दी, समझाया मेरा टारगेट पहले इतना था, इतने से मैंने इतना बढ़ाया, इतने से इतना बढ़ाया। ठीक है, कितने लोगों को मैंने ग्रोथ करने में हेल्प करी है, कितनी बार मैंने खुद इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन दिया, अगर टीम नहीं भी है तो, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको रखने हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप सेल्स में हैं तो 100% लोग मैं तो कह रहा हूँ 100+ ही अचीव करो यार, उससे तो फिर कोई बेटर कोई चीज़ ही नहीं, फिर तो कितना भी अच्छा इंक्रीमेंट ले सकते हो। बट आप मान के चलो इतना नहीं हो पा रहा, बट 75-70 के आसपास मेंटेन करके रखना, ताकि जब इंक्रीमेंट की बारी आए तो आपके हाथ में जीरो ना हो, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में आए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब वापस आते हैं गाइस, तो अब मैं आगे के लिए क्या सोच रहा हूँ कि क्या मुझे इसमें जॉब करना है, एक साल होने वाला है, या कुछ और मुझे देखना चाहिए, या फिर ये ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो भाई जब मैंने जब तक कंपनी अब तक जॉब किया है सबसे प्रेशर कम है यहाँ पे, कम क्या मतलब कह सकते हो आप मुझे आदत हो चुकी है ऐसा कह सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि सब लोगों से जान पहचान भी अच्छी हो गई है। ठीक है, पर्सनल रिलेशन भी अच्छा है। ठीक है, काम भी समझ में आ गया है, काम भी ठीक ठाक हो रहा है, बट एक जो बात फंस रही दैट इज़ द मॉनिटरी इशू है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है गाइस कि मैं ईगो पे ले रहा हूँ कि लाइक पैसा ही बढ़ना चाहिए, पैसा ही सब कुछ है, बट ये नीड है मेरी इस टाइम की जो मुझे ये करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा अभी तक सोचने का तो यही है, बाकी तो देखो खाटू श्याम जी के भरोसे है, भगवान जी के भरोसे है, चीज़ें किस तरीके से होती हैं। अभी प्लान लेके जो मैं चल रहा हूँ वो इस तरीके से है कि देखते हैं, अभी मतलब 7 तारीख तक हमारी सैलरी आती है, मेरे डाला हुआ तो मेरे ख्याल से कल ही डाला मेरे शायद, तो 5-6 दिन में या 10 दिन में जो भी रिजल्ट आता है अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो गाइस मैं ट्राई करूँगा चेंज करने का, जहाँ पे एक अच्छी हैंडसम सैलरी मुझे मिले से ज़्यादा। अगर वो नहीं मिल पाती है, मतलब मान के चलो कि 1-2 हज़ार सिर्फ बढ़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, 1-2 हज़ार बढ़ने में कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, सीधे वहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगा। कोई अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है 5-7 हज़ार रुपये का, तो जिसमें कुछ मेरा फ़ायदा हो सकता है तो फॉर श्योर मैं ट्राई करूँगा, और नहीं है तो गाइस मैं देखता हूँ, वैसे तो चांसेस कम है कि ना हो, मेरे हिसाब से हो ही जाना चाहिए, बाकी देखते हैं। तो फिलहाल अब तक की तो ये चीज़ें तो इसी तरीके से हैं, तो बाकी गाइस बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इंटरेक्ट करते हो, कमेंट्स डालते हो और मुझे सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाइस मेरा मोटिव यही है कम्युनिटी खड़ी करना, लाइक आप सब लोगों के लिए या फिर आप सब लोगों के साथ में,
जो हम इंटरेक्ट कर सकें चीज़ों के बारे में, कन्वर्सेशन कर सकें, बात कर सकें। और हाँ, मेरा एक सजेशन था गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताना, मेरा एक फेसबुक पे एक ग्रुप या फिर एक या व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ, जहाँ पे मैं आप सब लोग को इंस्टाग्राम कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग को ऐड किया जाए, जहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करते हो। पहली चीज़ तो क्या है कि कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो है फ्रेशर, जो भी जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं कॉलेज में। कुछ लोग ऐसे हैं जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-5 साल कर चुके हैं और एक्सेल करना चाहते हैं, मतलब हर टाइप की जो ऑडियंस है वो मेरी वीडियोस को देखती है, जैसे मैं कमेंट्स में एनालाइज कर पाया हूँ। तो उस ग्रुप से फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान के चलो कोई बंदा फ्रेशर है और वो जानना चाहता है कि सपोज XYZ कोई कंपनी जैसे PW फिजिक्स वाला में काम कैसे होता है, एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है, क्या वर्किंग होती है। तो उसमें कोई फिजिक्स वाला में काम करने वाला बंदा रिवर्ट करे कि भाई इसमें इस तरीके से होता है, आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, ये बेनिफिट है। क्योंकि देखो एडवर्टाइजमेंट पे हम रिलाई नहीं कर सकते, मैं एक्चुअल चीज़ें जैसे मैं बताता हूँ वैसे लोग जानना चाहते हैं, मेरे पास आ रहे हैं, तो वैसे ही अगर आप रिवर्ट कर पाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं सोच रहा हूँ एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें आप सब लोग हों, और देखो हर इंडस्ट्री की या हर जॉब की नॉलेज तो मेरे पास नहीं है, जितनी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, बट जिनकी मेरे पास नहीं है या फिर जो कॉलेज का रिव्यूज़ बहुत से लोग पूछते हैं कि इस कॉलेज के बारे में क्या कहना है, उस कॉलेज के बारे में क्या कहना है, तो वो लोग भी पूछ सकें उस ग्रुप में कि भाई इस कॉलेज के बारे में कैसा है, कैसा प्लेसमेंट है, जो उसमें ऑलरेडी पढ़ रहा है या फिर जिसमें एडमिशन ले चुका है वो रिवर्ट करें कि भाई ये कॉलेज इस तरीके से, इसमें इस तरीके से प्लेसमेंट है। तो एक अच्छी हेल्दी ग्रोइंग कम्युनिटी हम ग्रो कर पाएंगे आने वाले टाइम के लिए, जहाँ पे मैं चाहता हूँ हर किसी को अपने क्वेश्चन के जवाब मिले कि रियल बेसिस पे, ना कि एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट बेस पे कि आपने किसी का फॉर्म निकाल के भेज दिया या फिर उसकी वेबसाइट भेज दी, नहीं, रियलिटी जो मैं यहाँ पे स्प्रेड करना चाहता हूँ, चाहे इन टर्म्स ऑफ जॉब हो, इन टर्म्स ऑफ कॉलेज हो। क्योंकि तभी कई बार क्या होता है कि लोग पूछते मुझे स्कॉल किया तो मैं लिटरली मना करता हूँ, भाई इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि देखिए अगर मैं व्यूज़ के लिए चाहूँ या उनका अच्छे बनने के लिए चाहूँ तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि अच्छा बेकार, और शायद वो लोग मान मिले, क्योंकि अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ट्रस्ट है उनका मेरे ऊपर, बट नहीं है नॉलेज तो मैं मना करता हूँ, मुझे पता ही नहीं उस कॉलेज के बारे में। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कोई भी बंदा ना रहे जिसको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो। तो आप लोग बताएं इस बारे में गाइस कमेंट्स में कि क्या इसको हम कर सकते हैं क्या, और फेसबुक पे अच्छा रहेगा या इंस्टाग्राम पे किस तरीके से अच्छा रहेगा, तो बस मुझे सजेस्ट करें। और मेरे हिसाब से तो एक अच्छा आइडिया है जहाँ पे सब लोगों को सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे एक रियल बेसिस पे, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, इस मिलेगी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।